लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। शनिवार को आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया था। करीब 12 घंटे तक पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर पुलिस ने उसकी हिरासत की मांग की थी, लेकिन आशीष मिश्रा के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि रिमांड में लेने से पहले उन्हें सुना जाना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि सोमवार को कोर्ट में फिर सुनवाई होगी और तय किया जाएगा कि उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा या नहीं। वहीं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कोऑपरेशन इवेजिव रिप्लाई है, इन सब काउंट्स में हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, हम इसका सस्टेन कस्टडी लेंगे। तो व्हाई हैज दे टेकन यू 5 डेज एंड 12 आवर्स टू अरेस्ट अ मर्डर अक्यूज। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के खिलाफ बहराइच के जगजीत सिंह ने केस दर्ज कराया है। एफआईआर में आशीष मिश्रा के अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, दंगों से संबंधित 279, लापरवाही से गाड़ी चलाना, 338, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो, 304A लापरवाही से मौत, 302 मर्डर और 120B आपराधिक साजिश रचना के तहत केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में 3 अक्टूबर को हिंसा भड़की थी। एफआईआर के मुताबिक आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदा और फायरिंग भी की। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष भी लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बना रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।